गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे और जय माता दी। और बहुत टाइम बाद आ रही हूँ मैं ब्लॉग लेके, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे तो हम लोग ब्लॉग बना नहीं पाए थे। और आज हम जा रहे हैं माँ चामुंडा के मंदिर में दर्शन करने के लिए, और थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पे। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ हम लोग दर्शन करते हैं और माँ चामुंडा का मंदिर कहाँ पर स्थित है और किस तरह से दर्शन होते हैं वहाँ पे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और आज नवरात्रि का थर्ड डे है, शायद थर्ड डे है आज नवरात्रि का। और मैं और मेरे हस्बैंड पूरे 9 दिन फास्ट रहे हैं, और ऐसा शायद थर्ड टाइम हो रहा है कि हम दोनों साथ में फास्ट रहे हैं। और अब ज़्यादातर हम लोग व्रत साथ में ही करते हैं, नवरात्रि हुआ, शिवरात्रि हुआ। तो ये मेरी माँ है जो यहाँ विराजमान है, मेरे हस्बैंड कॉलेज से आ गए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। प्राचीन मंदिर है जो 51 शक्तिपीठ है हमारी, उन्हीं में से एक विराजमान यहाँ पे भी है वृंदावन में, तो अनुभव करते हैं उनके आनंद का, दर्शन का। देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जय माँ चामुंडा। स्वर्ण और रजत छत्र सुशोभित कर रहे हैं माँ चामुंडा को। श्रद्धालु दर्शन करते हुए, ये हैं यहाँ के सेवायत। नाम नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनू शुक्ला जी। सोनू शुक्ला, सोनू शुक्ला जी, इस मंदिर के बारे में और जीर्णोद्धार के बारे में और कब इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी जी, तो उसके बारे में बताइए जी। यहाँ चेतन महाप्रभु जी थे, उनके शिष्य थे सनातन गोस्वामी जी एवं जीव गोस्वामी जी। शिष्य गुरु जी ने शिष्य से बोला कि आप वृंदावन का खोज स्थान करके आइए, वृंदावन कितना भ्रमण क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र है, क्या भगवान श्री कृष्ण भगवान यहाँ से वृंदावन से गोकुल की दूरी 25 किलोमीटर की दूरी सुबह गाय चराने के लिए जाते थे और शाम को लौट कर वापस वृंदावन आ जाते थे, क्या भगवान यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी आपके गोवर्धन जाते थे और लौट कर शाम को वृंदावन आ जाते थे, क्या ये सच्ची में प्रमाणित है या ऐसे ही कहानियाँ और वो हैं। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने शिष्य से कहा और आज्ञा मांगी वृंदावन के भ्रमण करने के लिए चल दिए। पहले कोई चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है जी, उनसे कहा सनातन गोस्वामी जी से, उनके सनातन रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जी से जी, उन्होंने गुरु जी ने शिष्य से आज्ञा मांगी और वृंदावन की खोज के लिए चल दिए। तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन की खोज करके आए, वृंदावन कितना बड़ा प्राचीन क्षेत्र है, वहाँ से गुरु जी ने शिष्य से कहा, शिष्य वहाँ से चल दिए, उनके साथी भी साथ में चल दिए। पहले यमुना किनारा व्यापार हुआ करता था, पहले कोई भी ट्रेवल नहीं था, नहीं कोई साधन था, जहाज नहीं था, कुछ नहीं था, यमुना किनारे किनारे चलते आते थे। उनको पहले यंग एज में निकले थे और उनकी चलते चलते वृद्ध अवस्था हो गई, उसके कारण वृद्ध अवस्था होते होते एक दिन यहाँ आकर सनातन गोस्वामी जी, उनके भाई जीव गोस्वामी जी और उनके कुछ साथी आकर बैठे और बैठ के यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, हे यमुने महारानी, या तो आप मुझे वृंदावन का मार्गदर्शन कराइए और नहीं तो आप मुझे अपने आप को समर्पित कर लीजिए, अगर वापस लौट कर जाऊँगा तो गुरु जी को क्या मुँह दिखलाऊंगा। फिर उनको आभास होता है कि छोटी सी कन्या घनघोर जंगल में उत्पन्न होती है, तो उनसे बोलती है, बेटा मैं आपको देख रही हूँ उतने दिन से भजन पूजा पाठ में लगे हुए, आप कहाँ से कैसे? तो माता जी उनको बताते, वो माता जी को बताते हैं, हे माता रानी, गुरु जी ने मैं आज्ञा के लिए मैं वृंदावन की खोज के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं 51 शक्तिपीठों में से एक वृंदावन स्थित चामुंडा मंदिर दुष्टों का नाश के लिए भक्तों का उद्धार के लिए बैठे हुए। तो ये 51 शक्ति पीठों में से एक है जी माँ चामुंडा जी। तो ये कविता अभी आरती के लिए दिया प्रज्वलित कर रही हैं और ये यहाँ से ही अपना आरती कर रही हैं, परिक्रमा का लाभ आपको दे रहे हैं।
रमान शंकर दरबार जी। कब से आ रहे हैं आप? जी बचपन से ही आ रहा हूँ हमारे दरबार में। आप यहाँ वृंदावन के निवासी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के महत्व के बारे में बताइए कुछ। हाँ, प्राचीन मूर्ति है ये। माँ पहले एक वृक्ष के नीचे रखी हुई थी। इन्होंने महाराज जी को स्वप्न दिया, मुझे मुझको यहाँ से उठा करके उसमें पधारी है। जब उन्होंने इनको पधरवाया माँ को, जब से इनकी महिमा ऑटोमेटिक बढ़ने लगी। जो भी कोई भी इच्छा करने आता है यहाँ पे, उसकी इच्छा बस पूरी होती है। ये माँ की कृपा है। जो भी इच्छा लेकर आता है उसकी इच्छा पूरी होती है, बिल्कुल पूरी होती है। बस माँ की आस्था लेके आइए आप जी, बिल्कुल पूरी होगी। अच्छा, कब से आ रही हैं आप? अच्छा, आप वृंदावन से हैं। अच्छा, यहाँ की महिमा के बारे में कुछ बताइए। यहाँ की महिमा तो सबसे ज्यादा परम्परा, जब छोटे थे हम तभी से आते थे। जब छोटा मंदिर था, देखते देखते ये मंदिर इतना बड़ा हो गया, तो हम यहाँ में सब भक्तों की श्रद्धा ज्यादा हो गई। और हो गई तो मंदिर में भी इतना कि जो भी कच्चे मन से बोलते हैं, कहते हैं 51 शक्ति पीठों में से एक है चामुंडा माँ। 51 शक्ति पीठों में से एक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ भंडारा चल रहा है माँ चामुंडा मंदिर पर, और ये भंडारे आयोजित किए जाते हैं यहाँ के श्रद्धालु भक्तों द्वारा, और ये प्रसादी ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं श्रद्धालु। बहुत साल हो गए। कहाँ के? यहीं के रहने वाली हो? हाँ, यहीं से। अच्छा, नाम बताओ उड़िया। अंजलि। यहीं के रहने वाले हो हैं? यहीं सेवा पूजा करते हो हैं? अच्छा, ये मालाएं, मालाओं की सेवा दे रही है ये गुड़िया यहाँ पे। और कैसा लगता है ये बताओ? अच्छा लगता है। माता की सेवा में बैठी हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ऐसे ही श्रद्धालु आते हैं हमेशा यहाँ? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मुरारी अग्रवाल। कहाँ रहते हो? यही गोलोक धाम पे रहते हैं। अच्छा, गोलोक धाम नगर में। गौशाला नगर में रहते हैं आप, वृंदावन में रहते हैं। अच्छा, इस मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताइए। माता रानी की कृपा है बस, और कुछ नहीं। सब उन्हीं की कृपा है, सबको मुसीबत आती है सब निकल जाती है। अच्छा, यहाँ दर्शन करने आते हो, जो भी मुसीबत आती है सब दूर चली जाती है। माधुरी, माधुरी जी बताइए कि यहाँ दर्शन करने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है? अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। अच्छा, मन को शांति मिलती है, जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। बताओ दर्शन करके कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? रोज आती हो आप? हाँ। दर्शन करने के लिए रोज आती हो? हाँ। माता रानी से क्या मांगती हो? बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम है? यशिका। यशिका, दर्शन किए आपने? माता रानी के दर्शन कर लिए? जय जय माई कर ली? है, क्या मांगा माता रानी से? क्या मांगा आपने माँ से? तो गुड़िया, बाके बिहारी जी की आरती सुनाने वाली है, सुनाओ। दुनिया का इन्हें इन चरणों के
ये बचपन के यार मिल गए हैं हमें, और ये कृष्ण मुरारी और हम अमित और कृष्ण मुरारी दोनों मिल गए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण मिल गए हों और ये सुदामा हो। ना भाई ना, ऐसा काम ना। तो अच्छे दर्शन के लिए आए, कम से कम मित्रों से मिलने का बहाना हो गया। और भैया का अपने इवेंट्स का पूरा काम है, और कभी भी वैसे तो पूरे वृंदावन में इनका नाम है डब्बू पानी वाले के नाम से, सभी जानते ही है। और इस ब्लॉग में भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स में अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध किया है, और सभी को सेवाएं दे रहे हैं काफी दिनों से। महिलाओं को चूड़ियां दिखनी चाहिए बस, जहां चूड़ी दिख जाएंगी वो वहीं अटक के रह जाएंगी। तो भैया हमेशा यही लगाते हो? नौ देवी तक यही लगाते हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बंगाली बाबू है। बंगाली बाबू। अच्छा, तो इनका नाम बंगाली बाबू है, और ये इन्होंने यहाँ पर माँ चामुंडा मंदिर पर चूड़ी की रेडी लगा रखी है। और अपना बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, आज के समय में लोग मेहनत नहीं करना चाहते। ये काम चोर है। मैं काम चोर हूँ, ऑलरेडी बोल चुके काम चोर बीवी है।